इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप सोच समझ के कोर्ट मैरिज करेंगे तो कभी पछताएंगे नहीं। देखिए आपको YouTube पे अनेक वीडियोस मिल गए होंगे और केवल YouTube पे क्यों, Google पे या आपके दोस्त के माध्यम से अनेक वीडियोस आपको मिल गए होंगे जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपको कोर्ट मैरिज करने में समय क्या लगेगा और क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे जल्दी जल्दी आपको कोर्ट मैरिज करा दें, कैसे आपको पति पत्नी बना दें, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको किसी ने ये बात समझाया है कि कोर्ट मैरिज करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप उन बातों के बारे में ध्यान देंगे और सोचेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कोर्ट मैरिज करके आप पछताएंगे नहीं। आज का दौर ऐसा है जिसमें YouTube, Facebook, वीडियोस, TV, सोशल मीडियाज पे अनेक वीडियोस, इनका दौर है और इस दौर में कई बार कपल ऐसे होते हैं जो इससे बहुत प्रभावित होते हैं और ठीक से एक दूसरे को जाने बगैर ही कोर्ट मैरिज करने का निर्णय कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि ऐसा भी कॉम्बिनेशन है जिसमें लड़की तो 12th पास है और लड़का अनपढ़ है। ऐसा भी मैंने देखा है कि लड़की बहुत अच्छे परिवार से है और लड़का बिल्कुल ही अच्छे परिवार से नहीं है, और चूंकि वो प्यार में होते हैं, चूंकि किसी ऐसे जगह पे उनकी मुलाकात हुई होती है और वहाँ पे मुलाकात होने के बाद से जान पहचान हुई और शादी के बारे में सोच लिया और उसके बाद से कोर्ट मैरिज करने का निर्णय कर लिया। लेकिन आप सोचिए, भले ही आपने झूठ बोल करके या भले ही किसी भी आधार पे आपने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया हो, लेकिन क्या आपकी सच्चाई बाद में बाहर नहीं आएगी? और बाद में अगर बाहर आ जाएगी तो जिस लड़की या जिस लड़के ने अपने परिवार को छोड़ करके आपसे कोर्ट मैरिज किया है, जिन्होंने जन्म दिया उसको छोड़ करके कोर्ट मैरिज किया है, तो क्या वो आपको नहीं छोड़ सकते? क्या आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते? तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो सच बोल के करना है और समझ के करना है कि भाई कोर्ट मैरिज करने के बाद से हम दोनों साथ रह सकते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ साथ में चल सकती है कि नहीं, पैसे की व्यवस्था ठीक से है कि नहीं। ये सब कुछ जानने समझने के बाद अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो निश्चित रूप से जिस खुशी को पाने के लिए आपने कोर्ट मैरिज किया है वो मिलेगा भी और आप खुश रहेंगे भी। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार कपल के मन में ऐसा होता है कि शादी वो करे तो सही, लेकिन शादी का जो डॉक्यूमेंट हो वो इतना स्ट्रांग ना हो ताकि जब चाहे तब छोड़ दें। इसी वजह से कपल आर्य समाज में शादी करके या रिचुअल के हिसाब से शादी करके वो अपने प्रेम संबंध में बने रहते हैं और फिर छोड़ने का विचार रखता है, लेकिन ये भी गले का फांस बन जाता है। ये दोनों तरफ से होता है। कई बार तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसके वजह से वो शादी कराते ही नहीं ठीक से, और कई बार कपल खुद ही उनका इरादा नहीं होता है कि उनको ठीक से शादी करना है। कम ही परसेंट के लोग होते हैं जिसमें कपल की अपनी गलती होती हो। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो केवल शादी करा दें, नोटरी पेपर पे आपको डॉक्यूमेंट्स दे दें और आपकी शादी अधूरी हो। तो जैसे ही आप एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रह रहे हैं, उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, लेकिन वो शादी नहीं है प्रॉपरली, आपको बीच में छोड़ना पड़ता है, तो उस समय लगता है कि आपका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब कभी भी शादी या कोर्ट मैरिज के बारे में सोचें तो प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाएं। प्रॉपर सर्टिफिकेट तभी माना जाएगा जब आपको कोर्ट से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोर्ट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से नहीं मिला नोटरी पेपर, तो बिल्कुल भी कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है। हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम नहीं आएंगे। प्रॉपरली मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही शादी का एक वैलिड प्रूफ माना जाता है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, जैसे आप कहाँ से कोर्ट मैरिज करें, कितना समय लगा सकते हैं, उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन का क्या होगा, कौन कौन राजी हैं, किसको किसको मना सकते हैं, फिनांस का क्या होगा। इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, तरीके से बात करें, और इनके बारे में आप खुल करके सही तरीके से डिस्कस कर लें ताकि आपको सही सहायता मिल जाए। तो उसके लिए है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे, जिस पे आप फ्री में बात कर सकते हैं,
1800-444-5555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लें, पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद से तय करें कि आपको कोर्ट मैरिज करना है नहीं करना है, करना है तो कहाँ से करना है। एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भी शादी ना करें जो जिसके पास आप अचानक पहुंच जाएं और अचानक पहुंच करके आपको कोर्ट मैरिज करना हो। नंबर थ्री, आप ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भी शादी ना करें जिसके बारे में आपने ठीक तरीके से रिसर्च नहीं किया है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, प्रॉपरली आपने फॉलो नहीं किया है। तो ये कुछ टिप्स थे, जिसको ध्यान में रखेंगे तो सचमुच कोर्ट मैरिज करने के बाद आप नहीं पछताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।